हिंदुस्तान की तरफ से हर किसी को इंतजार इस बात का है कि कितने बड़े पैमाने पर नुकसान पाकिस्तान का हुआ है, पीओके में आतंकी ठिकानों का हुआ है, आतंकी संगठनों का हुआ है, आतंकियों का हुआ है, उनके सरगनाओं का हुआ है, इसकी पूरी जानकारी देश के सामने आए। माना जा रहा है कि वायुसेना की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये तमाम जानकारी दी जाएगी, लेकिन सोचिए आज की ये खबर, आज की ये सुबह 26 फरवरी के लिए किस तरह से शहीदों के परिवार वालों के लिए महत्वपूर्ण होगी। उनकी नजर नहीं हट रही होगी आज तक के सामने से। भारत की कार्रवाई में 200 से 300 आतंकी के ढेर होने की खबर है। ये वो लड़ाकू विमान है हिंदुस्तान के जो हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि ये वीडियो पाकिस्तान ने ही जारी कर दिया। पिछली बार सर्जिकल स्ट्राइक मानने को तैयार नहीं था पाकिस्तान, लेकिन इस बार बर्बादी कुछ ऐसी हुई है। मंजीत कोई नई जानकारी? मंजीत अंजना, एक और अहम जानकारी आपको देना चाहूंगा। इस ऑपरेशन के दौरान न सिर्फ मिराज 2000 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया गया, बल्कि जो वायुसेना की अर्ली वार्निंग एयर सिस्टम है एवेक्स, जहां उन्होंने भी पूरे पाकिस्तान के एयर बेसिस पे नजर रखी कि किसी तरह से पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई जवाबी कार्रवाई की जाती है तो उसको कैसे रोका जाएगा। और साथ ही दूसरी जानकारी कि मिराज लड़ाकू विमानों ने इस ऑपरेशन की पूरी जो रिकॉर्डिंग है वो भी रिकॉर्ड की है। उसकी पूरी रिकॉर्डिंग वायुसेना के पास मौजूद है। मिराज 2000 विमानों ने जो तबाही वहां पर मचाई है उसकी पूरी फुटेज भी मौजूद है। वीडियो हमने पिछली बार भी सर्जिकल स्ट्राइक के बाद मंजीत देखा था, लेकिन इस बार आप बता रहे हैं चूंकि ये एयर सर्जिकल स्ट्राइक्स है इस तरीके के।